ये भी कयामत की कुर्बे कयामत की निशानी है। ऐसे ऐसे बाल कटिंग होंगे कुर्बे कयामत की निशानी है। एक लड़का को देखे हम का हे देखिए ना इधर बाल था ना इधर था हे ये हमें था। हम पूछे रे बबुआ ये बाल का भेलो रे की भेलो उड़ी गलो की। बोला ने कटिंग कर लो जे। बोले कौन कटिंग जे तो बोले मुर्गा कटिंग जे। हमारे नौजवानों को क्या हो गया? हमारे नौजवान कहाँ चले गए? ए नौजवान वो नौजवानों को याद करो। कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले कैसरों किसरा की गर्दने झुकाने वाले खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे ऐसे थे मोहम्मद के घर आने वाले। आ गए अभी तो नौजवान हमारा कुर्बान जाओ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारा नौजवान जुमे की नमाज पढ़ेगा। बोलो बात सही की गलत है? जुमा खाली नमाज खाली जुमे का है? अरे नमाज खाली जुमे का है कि पांचों वक्त की नमाज है? लेकिन हम अपने नौजवानों को समझाएं क्या? ऐ नौजवान समझ जाओ, ख्वाबे गफलत की जिंदगी से बेदार हो जाओ, अपने आंखों से पट्टी को हटाओ, दुनिया देखो कहां से कहां पहुंच गई है और तुम सोए हुए हो अभी तक तुम्हारी नींद नहीं खुली। अल्लाह का कुरान कहता है नौजवानों मोमिनों को के मोमिनों अपनी निगाहों को नीची रखो। अपनी निगाहों को बोलो भाई कहाँ नीचे रखो? यानी जब रास्ते में चलो तो झुक करके चलो, अपनी निगाहों को नीची रखो, ताक झांक मत करो। ताक झांक बात समझ रहे ना? इशारा समझ रहे ना? किसी की बहू बेटी को ना देखो, इंशाल्लाह तुम किसी की बहू बेटी को नहीं देखोगे तो तुम्हारी बहू बेटी के ऊपर में भी कोई गलत नजर नहीं रखेगा। ये तो बदला है, ये बदला है मुसलमानों। इसलिए नौजवानों अपनी निगाहों को हिफाजत करो, अपने निगाहों की हिफाजत करो, इंशाल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। ये कहां सिखाया जाएगा? कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सिखाए जाएंगे? अरे ये तो मदरसा में सिखाया जाएगा, ये मदरसे में बताया जाएगा। ये कुरान कह रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कह रही है। और अभी आलम ये है एक एक लड़का के पास में तीन तीन चार चार लड़की का नंबर। बोलो बात सही की गलत है? बोलो ये नौजवान मेरा ऐसा बिगड़ गया है कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, ये जायज है भाई? जायज है? तुम मुसलमान हो के हराम काम कर रहे हो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह की पकड़ होगी नौजवानों, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। कब सुधरो? ए बाबू ए बाबू खामोश हो जाओ, खुदा के वास्ते आधा घंटा बर्दाश्त कर लो। माशाल्लाह एकदम खामोश हो जाइए। मैं ये कह रहा हूं माशाल्लाह मेरी माँ बहनों अभी आप कुछ मत देना, बस बस, बस, बस रुक जा, दस मिनट के बाद हम चंदा शुरू कर देंगे। जरा जहन को हाजिर कीजिएगा। हम कहते हैं नौजवानों से कि नौजवानों जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को, अरे बोलो ना भाई, निगाहों को नीचे करके रखो, ताक झांक मत करो। अगर तुम किसी की बहू को देखोगे, किसी की बेटी को देखोगे, किसी की बहन को भी देखोगे तो तुम्हारी बहन भी रास्ते में चलेगी ना कोई उसे बुरी नजर से देखेगा। अगर तुम अपनी निगाहों को नीची रखोगे इंशाल्लाह तुम्हारी बहू बेटी बहन को कोई गलत नजर से नहीं देख सकता है। हम ये कहते हैं कोई लड़की पसंद आ गई, कोई लड़की, अरे भाई बोलो भाई निकाह कर लो, हैं निकाह करो। दूसरी पसंद आ गई निकाह कर लो, तीसरी पसंद आ गई उससे भी निकाह करो, चौथी पसंद आई उससे भी निकाह करो। इसके बाद भी अगर पसंद तुम्हारी खत्म नहीं हो रही है इससे पता चलता है कि तुमको पसंद नहीं है, खुजली की बीमारी है तुम।
अल्लाह का कुरान कहता है मा ताबल अकुम मिनन निसाए मसना व सोलासा व रोबा, एक पसाना एक कर लो, दो पसाना दो कर लो, तीन पसाना तीन कर लो, चार पसाना चार कर लो, लेकिन शर्त है। आगे अल्लाह कह रहा है कि सुनो, चार कब करोगे? अगर तुम्हारे अंदर इंसाफ करने की ताकत हो तब, अदल कर सको तब। एक झुमका उसके लिए, वही झुमका उसके लिए, एक खाना उसके लिए, वही खाना उसके लिए, एक कपड़ा उसके लिए, वही कपड़ा इसके लिए। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए यकी काफी है। कितना काफी है? एक काफी है। और एक बीवी को भी अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते हो, बदन में ताकत नहीं है, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, तो तुम्हारे लिए हुक्म है शादी मत करो। शादी? अरे बोलो भाई, शादी फिर क्या करो? तो आगे बताया गया कि एक तस्बीह ले लो। क्या ले लो? तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक छोड़ो, कुरान पढ़ो, कुरान वाला बनो, कुर्बान जाओ। मुसलमानों नौजवानों, मदरसे क्यों जरूरी है? मदरसे क्यों जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं फालतू है, मदरसा नहीं बनना चाहिए था। क्या जरूरी है मदरसे का? अच्छा एक बात बताइए, अगर मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? है? बच्चा पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक जन्नत में चले गए, वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी? वहां भी? अरे भाई बोलो, वहां भी मौलवी की? जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अब बताता चलूं। घर में बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतें शोर मचाने लगी, ओ लड़का हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ। अब क्या करोगे? किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई, किसको बुलाओगे? बच्चा पैदा हुआ घर में, किसको बुलाइएगा? किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को बुलाइएगा ना, काहे के लिए? अरे अजान देने के लिए? काहे के लिए बुलाइएगा? बोलिए, अजान देने के लिए। बच्चा पैदा कीजिए आप, अजान देगा मौलवी? आप खुद दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको खुद अजान आना चाहिए, आप खुद अजान अपने बच्चों को कान में देना चाहिए। अल्लाह के हाथ दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी, अब उस बच्चे का नाम रखना है, उसका नाम भी कौन रखेगा? नाम कौन रखेगा? दादा, नाना, नानी रखेगी, दादी रखेगी, फिर वही नाम होगा। एक एक 13-14 साल का बच्चा मेरा पैर दबा रहा था, बहुत खिदमत किया, तो दिल से दुआएं निकली। मैंने कहा गे बेटा, मेरी खिदमत कर लिए, तुम्हारा नाम क्या है? बोला नहीं मोल साहब, नहीं बोल भोम राव, लाज लागे जाए। बोले नाम बताने में लाज? बोल की नाम जो रे? बोल रे, तो बोले हमारे नाम छे फटकौन। फटकौन? ई कौन नाम है रे, किसने रखा? बोला मेरा दादा रखा था। हमने कहा तुम्हारे दादा का नाम क्या था? बोला मेरा दादा का नाम था लटकौन। हमने ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। अब यही लड़का जवान हो गया, अब ये लड़का को पढ़ाना है, तो कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई, मौली साहब पढ़ाएगा, कुरान पढ़ाएगा, कुर्बान। यही लड़का नौजवान हो गया, अब शादी की बात आ गई, बारात गई, अब वो निकाह की बारी आ गई, निकाह कौन पढ़ाएगा? वकील साहब। बोलो भाई, कौन पढ़ाएगा निकाह? मौलवी साहब पढ़ाएगा। अब वही नौजवान बूढ़ा होकर मर गया, जनाजा रखा हुआ है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? बताओ, गुजारा है बगैर मौलवी का? गुजारा है? अरे गुजारा है। इसलिए नौजवानों, कुरान से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, हुफाज से जुड़ो, मुफ्तियाने किराम से जुड़ो, मदरसों से जुड़ो। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को स्कूल में मत पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा, मैंने पहले कह दिया था, मेरा बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, वकील भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर बनने से पहले वो कुरान का कारी बनेगा।
इंशाल्लाह बनाएंगे बस बड़ी तेजी के साथ। ये कुरान आज इंसानी शक्ल ये किताबी शक्ल में है। सुनो ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये किताब की शक्ल में कुरान है। हम खोलते हैं कुरान को किताबी शक्ल में है, लेकिन सुनो मुसलमानों अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन ये कुरान इंसानी शक्ल में होगा। किस शक्ल में होगा? इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा ए तू कौन है? ये कहेगा मैं अल्लाह, मैं तेरा कुरान हूँ, तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में कभी मुझे सीने से लगाता था, कभी होठों से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था। या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह इसलिए उसका मैं बदला देना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत में ले जाना चाहते हैं। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा जा उसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इंशाल्लाह कुरान से जुड़ेंगे भाई, कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। अरे कुरान से मोहब्बत करोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वाह वाह। ये कुरान हाथों को पकड़ेगा, ये कुरान हाथों को पकड़ेगा जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। कुरान से जुड़ो मुसलमानों, कुरान की तिलावत करो मुसलमानों, कुरान से जुड़ जाओ अल्लाह जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान से मोहब्बत करने वाले मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, हम उसके लिए इंशाल्लाह 10 दुआ करेगा। कितनी दुआ करेगा? 10 दुआ करेगा। और एक हाने जेटे दुआ हो बे कबूल हो बे, जेटे दुआ हो बे मकबूल हो बे। अल्लाह का कुरान कहता है वकाला रब्बुकुम उदुनी अस्तजीब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और कुर्बान जाओ ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, अरे बोलो भाई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर के पड़ी हुई है रास्ते में, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया और बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया उठी, दादी उठ 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 उठ, बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। दुआ हुई। कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर, है कोई अल्लाह का महबूब बंदा, चहीदा बंदा, है कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर कुरान से जुड़ जाओ। ये मदरसा इस धरती पर कयामत तक खड़ा रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। है कोई अल्लाह को कर्जा देने वाला? अरे अल्लाह को कर्जा देने वाला कोई है? है कोई मेरी माँ बहन जो अल्लाह को कर्जा दे दो, एक जेवर जेवरात से कर्जा दे दो, गले का चैन है दे दो, हाथ में कंगन है दे दो, पांव का पाजेब है दे दो, कान का झुमका है दे दो, नाक का नथिया है दे दो, अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी बेहतर जेवर पहनाएगा, जन्नत में अल्लाह हीरे जहरात के जेवरों से तुम्हें आरास्ता कर देगा। मुझे 5 आदमी समझमे में चाहिए इंशाल्लाह। है कोई अपनी माँ के नाम पर मदरसा बना दो कुरान से मोहब्बत करने वाला, ये कुरान आपके हाथों को पकड़ेगा जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मुझे 5 आदमी चाहिए, 10 दुआ करेंगे। 5,000 रुपए पहला शख्स कोई देने वाला हो, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा हो इंशाल्लाह, जो 5,000 रुपए देने वाला पहला शख्स जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाल्लाह, आमी ऑनर। हे देखिए हमारे भाई आ जाइए, हाँ जी मुसाफा कर लिया, आज आइए आइए हमसे मुसाफा कर लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऐ देखिए माशाल्लाह ये हमारे हजरत आ रहे हैं, पहले नंबर पे इनका नाम हजरत लिखिए, हजरत का नाम लिखिए। आ हा ऐ माशाल्लाह, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है, शफाउल हुदा साहब दामद बरकात हो। इन्होंने अपने वालदेन की सालो सवाब की नियत से 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में दान किया है, अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेत में खलियान में दाने दाने बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत मकाम अता फरमा दे आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? अरे कत जन होलो? एक ए दूसरे भी आ गए, ए देखिए माशाल्लाह वाह भाई वाह, दूसरे भी आ गए।
वहाँ शौकत अमीन साहब भोला मारी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे वो आ गए। ए तीसरा भी आ गया, वो नहीं आया, बोलता नहीं हम नहीं। अरे माशाल्लाह भाई दुजन हो लो माशाल्लाह। अल्लाह ने जमीन को तीन दिन में पैदा किया है, तीसरे नंबर पे को हमारे कोई मास्टर साहब है, हमारे कोई इंजीनियर साहब है, हमारे कोई वकील साहब है, हमारे कोई डॉक्टर साहब है, हमारे कोई प्रोफेसर साहब है, हमारे कोई वकील साहब है, हमारे कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर हो, कोई किसान हो, तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। हमारी माँ बहन में से कोई है मेरी माँ बहन 5,000 टका दिया दो, अमित तुम्हार जन्ने दस्ते दुआ करे देवो, एक जेवर दे दो, जल्दी जल्दी जेवर निकालो, सब जेवर खोल के दे दो, जेवर फिर बन जाएगा, अल्लाह पैसा देगा, फिर खुट 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 के जमा करोगे फिर बना लोगे। आज अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा, अल्लाह तेरे बेटों को हाफिज कुरान बना देगा। आए नारे तकबीर, डॉक्टर जनाब मोहम्मद मंसूर आलम साहब दामद बरकात हूँ, 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के दान को कबूल करे, नो अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खैर में कल्याण में घर में बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो, तीन जन होलो, अल्लाह के नबी के कई यार थे, चार यार। अरे माशाल्लाह, ये डॉक्टर मंसूर साहब दामद बरकात तो हमने 5,000 रुपए नकद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हमारे भाई चौथे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, अल्लाह ने 3 को चुना है इंशाल्लाह, मेरा वही अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह 4 को भी चुनेगा। ए मुसलमानों एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील, बखील जानते हैं ना, बखील नहीं जान रहे, कंजूस। इसके 4 क्वालिटी हैं, क्या नाम? ए माशाल्लाह, नारे तकबीर, जनाब बाबू गुलाम अहमद रजा साहब अल्हम्दुलिल्लाह चौथे नंबर पे है। ये नौजवान ने 5,000 रुपए दान किया है, अल्लाह इन दान पे कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बखील के 4 क्वालिटी हैं, कंजूस के 4 क्वालिटी हैं, क्या क्वालिटी है बोलो जल्दी से, गिनती करो, हम गिनती करा रहे। बखील कितना हुआ, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। तो मैं ये कह रहा था अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बखील कंजूस जन्नत में, जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी हो, तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, आमेना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो पता ये चला कि अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, बखील अल्लाह से दूर जन्नत से दूर जहन्नम के करीब है, जो सखी है अल्लाह से करीब जन्नत से करीब जहन्नम से दूर है। कोई चौथे न, कितने लोग हो गए, 4 हो गए, अब भाई 4 हो गए, हाथ की कितनी उंगलियां हैं, अरे बोलो भाई कितनी उंगलियां हैं, 5, दिन और रात मिला करके वक्त की नमाज है 5, इंशाल्लाह 5वें नंबर पे कोई सखी है 5,000 टका दिए दो इंशाल्लाह, हम तुम्हारे जो ने दस्ते दुआ कर, ए हमारे हजरत आ गए, ए नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। ये हमारे भाई जनाब मोहम्मद नूर आलम, एक शेर सुना दे नूर आलम भाई के लिए, अरे सुना दे, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा ना तो, शाहरुख न बनेगा ना तू सलमान बनेगा, ये
बच्चा मेरा सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ए अल्लाह हमारे भाई नूर आलम साहब दामाद बरकात हो माँ बाप के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ए 5,000 टका नूर आलम भाई दिए हैं, अल्लाह उन्हें दांते कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान और अमल में खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई ने 1,000 रुपये दान किया है, भाई नूर आलम भाई आज 1,000 रुपये नकद दिए हैं, 4,000 रुपये बाकी, अल्लाह उन्हें दांते कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई अजय कहतो जोन हो लो 5 जोन, अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3-3 कितना हुआ, ए अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा माशाल्लाह। दादा दादी के नाम अल्लाह तेरे दादा दादी को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता। ए बेटी जेवर लेके आओ, ए बाबू ए बाबू, अरे इसको बैठाओ भाई, बड़ा बेचैन है, इसका बाल कौन काटा है रे, ये कटोरा रख के बाल काट दिया है। कुर्बान जाइए उनके भी माँ बाप को जन्नत माला सारा मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है कोई 12वें नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला भाई, भाई 5,000 रुपये देने वाला 12वें नंबर, अब्दुल कय्यूम वार्ड पार्षद 5,000, दादा दादी ए नारे तकबीर। ए जनाब भाई अब्दुल कय्यूम साहब पार्षद हैं, माशाल्लाह अब्दुल कय्यूम साहब पार्षद 5,000 रुपये, अल्लाह उनका दान कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी बहुत ही बरकत दे, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो बारो जंगे बदर का याद करो, 313 वाह लास्ट ये होगा, ये तेरह नंबर पे लास्ट ये होगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक आदमी और तैयार हो जाओ, 13वें नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला एक कोई सखी तैयार हो। अल्लाह अल्लाह इनके बाप को जन्नतुल फिरदौस मकाम अता फरमा। ए नारे तकबीर। जनाब जुबैर भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप दादा दादी नाना नानी सब के नाम पर हमारे डीलर जुबैर साहब ने 5,000 रुपये दान, उनके वालिद साहब इंतकाल हो गए, अल्लाह उनके वालिद के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, मनव्वर कर दे, कब्र को कुशादा फरमा दे, जुबैर भाई की उम्र में सेहत में जिंदगी में कारोबार में तिजारत में बिजनेस में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो जोन हो लो कुरान में सजदे कितने हैं, 14। अरे के आदमी चाहिए, एक के आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, है कोई सखी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देने वाला कोई अल्लाह का नेक बंदा चहिता बंदा प्यारा बंदा माशाअल्लाह। ए देखिए आ गया भाई, ये तो अब ये सजदा कर रहा जनाब अतीक भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के इसाल सवाब की नीयत से 5,000 रुपये दान कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें दान पे कबूल करे नो, अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, अल्लाह आतिफ भाई की घर में सेहत में जिंदगी में बरकत दे माशाल्लाह। भाई 5,000 वाले हो गए, अभी सौदा को मैं सस्ता कर रहा हूँ, कम से कम 10 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई, 1,500, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 देने वाले कितने लोग हैं जरा आइए तो देखते, अपने पॉकेट में हाथ दिए 1,500 रुपया है, 2,000 है, 2,500 है, 3,000 है, 3,500 है, 4,000 देना चाहते हैं जल्दी जल्दी आइए इंशाल्लाह 10 दुआ कर देंगे आपके लिए भी, इंशाल्लाह आपके लिए भी 10 दुआ कर देंगे। 1,500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं, ये देखिए पहला नौजवान आया, वाह भाई वाह। 1,000 हमारे
मास्टर रजीउद्दीन अंसारी साहब की तरफ से माशाल्लाह 1000 माशाल्लाह। अल्लाह इनके वालिद मरहूम को कब्र करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, उनके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ 1500 रुपए वाले आ जाओ, 1500 रुपए आ जाओ, 1500 रुपए वाले आ जाओ। बड़ा सस्ता सौदा है, दुआ लेकिन 10 होगी इंशाल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद सैयद हबीब साहब 1000 रुपए, एमडी मोहम्मद फैसल अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए दान किया, अल्लाह इन्हें दान कबूल करे। लो भाई आ जाओ भाई, 1500 वाले आ जाओ मेरे भाई, 1500 वाले आ जाओ। कितने नौजवान तैयार हो 1500 वाले देने वाले इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 1500 2000 2500 3500 4000 5000 देने वाले इंशाअल्लाह। कितने नौजवान ए भाई, आने वाले को रास्ता दे दो। इधर का नौजवान सवार है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, उधर जा रहा है। भाई 1500 वाले आ जाओ, है हमारी माँ बहनों में भी कोई देना चाहती है, हमारी माशाल्लाह 1500 रुपया देना चाहती है इंशाल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर दे दो, अपने बच्चों के नाम पर दे दो, अपनी सेहत के बारे में दे दो, अपने शोहर के नाम पर दे दो अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 वाले कितने लोग हैं मेरे भाई? भाई तारा तोरी करो इंशाल्लाह, आमी तुम्हार जुन्ने 10 दुआ करे देव, 10 दुआ करे देव, एखने ही करबो अल्हम्दुलिल्लाह, सुम अल्हम्दुलिल्लाह दारिये करबो, 10 दुआ करबो। है कोई सखी है? है कोई नौजवान है भाई? है भाई कोई नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह जो देना चाहता हो 1500 रुपया? अच्छा 100 200 300 वाले भी आ जाइए, 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। 100 200 300 400 500 1000 5000 10000 देना चाहते हैं, लास्ट 100 रुपया है, 100 रुपया पॉकेट में है नौजवानों, यहाँ नहीं दोगे, मान गए यहाँ नहीं दोगे, चंदा नहीं दोगे, घर लेके चले जाओगे, चौक चौराहे हाट बाजार में खर्चा हो जाए, गुटखा खा के थूक दोगे, आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। हजरत अल्लामा मोहिदीन साहब दामत बरकात हो, इनके उस्ताद हैं, अल्लाह उनको हजरत को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, अल्लाह इनकी उम्र दराजी अता फरमा दे, अल्लाह इनका साया हम गुनहगारों के ऊपर में हमेशा कायम और दायम फरमा दे। माशाल्लाह जनाब भाई जितेंद्र साहब 500 रुपए दादा दादी, अल्लाह इनके जन्नत में आला सलामत अता फरमा दे। माशाल्लाह जनाब डॉक्टर बबलू साहब अपने दादा दादी के नाम पर, बाप के नाम पर इंतकाल कर चुके हैं, उन्होंने 5000 रुपए दान किया है। ए अल्लाह डॉक्टर साहब के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनके बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भरते, रोशन करते, मुनव्वर करते, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाल्लाह अल्लाह इनके बाप को जन्नत में आला सलाम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हे देखिए देने वालों की लाइनें लग गई भाई, ए बाबू ए बेटा ए बाबू ए बाबू बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, देने वाले क्या नाम?